बीजेपी जेजेपी की चालबाजी जाटों ने समझी। दोनों पार्टी पर जाटों का पारा हाई। बीजेपी जेजेपी की मिलीभगत का पर्दाफाश। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी जेजेपी का गठबंधन टूट गया। राजनीतिक विश्लेषक ने कहा, किसान आंदोलन महिला पहलवान आंदोलन की वजह से बीजेपी जानती है जाट उसे वोट नहीं करेगी, इसलिए बीजेपी ने जानबूझकर गठबंधन तोड़ा ताकि वह जाटों के वोट बैंक की सेंधवानी कर सके और फिर वोट लेकर भाजपा के साथ जेजेपी चला आए। लेकिन जाटों ने उनकी रणनीति को भांप लिया है, चालबाजी समझ ली है कि बीजेपी और जेजेपी मिले हुए हैं। बीजेपी इसलिए ऐसा कर रही है ताकि जाट वोट बैंक बट जाए और कांग्रेस को इसका फायदा न मिलने पाए। हरियाणा की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है, बीजेपी जेजेपी का क्या प्लान है, आपको हम पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले गुजारिश है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आखिर कहानी क्या है? हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें भाजपा के लिए अब केकवाक नहीं रह गई है। राज्य के तमाम गांवों में जेजेपी नेता गांवों में घुस नहीं पा रहे हैं। एलनाबाद में भाजपा के वाहन से उसके झंडे उतारकर जनता ने जला दिए, लेकिन भाजपा ने जेजेपी को अलग चुनाव लड़ाकर जाटों को बांटने की जो रणनीति अपनाई वो भी नाकाम होती दिख रही है। हरियाणा में जाट किसान तय करेंगे कि भाजपा का भविष्य, हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गांव में घुसना मुश्किल। हरियाणा में भिवानी जिले के कुंगड़ गांव में मंगलवार 9 अप्रैल को काले झंडे लेकर सैकड़ों किसानों ने जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के काफिले को रोक दिया। अजय ने किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सुनने से इंकार कर दिया। आखिरकार जेजेपी नेता गांव में बिना बैठक किए ही वापस लौट आए। पिछले सप्ताह अजय चौटाला के बेटे और हाल तक राज्य के डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला को उनके चुनाव अभियान के दौरान दो बार रोका गया, हिसार के गमरा गांव में और नारनौंद विधानसभा क्षेत्र के नाडा गांव में। हरियाणा में जाट बेल्ट हिसार, भिवानी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, सिरसा, जिंद आदि के गांवों में ऐसे बैनर पोस्टर लगे हुए हैं जिनमें जेजेपी और भाजपा नेताओं के घुसने की मनाही है। एक महीने में हरियाणा में चुनावी फिजा बदल गई है। किसान महिला पहलवान आंदोलन ने बीजेपी को डुबा दिया। किसान जिन मुद्दों पर खुद को छला हुआ महसूस कर रहे हैं उनके मूल में किसानों के अलावा महिला पहलवानों का मुद्दा भी प्रमुख है। आंदोलनकारी अधिकांश महिला पहलवान हरियाणा से थीं। संसद मार्ग पर जब पुलिस ने उन पर लाठियां बरसाई और सड़कों पर घसीटा, उसके वीडियो फोटो वायरल हुए थे। हरियाणा के जाटों ने अपमान महसूस किया। जंतर मंतर पर जब उनका धरना चल रहा था, सबसे ज़्यादा हरियाणा के जाट खाप पंचायतें उनके समर्थन में पहुँच रही थी, लेकिन भाजपा और जेजेपी पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। जाट बेल्ट का किसान दरअसल इस बात को विश्वासघात मान रहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में उसने जेजेपी को 10 सीटें दी थी। 2014 में जब मोदी लहर पर हरियाणा में जब भाजपा सरकार बनी तो सबसे पहले जाटों का मोहभंग हुआ था। फिर 2018 में जेजेपी पैदा हुई और 2019 के चुनाव में उसे कामयाबी मिली, लेकिन जब जेजेपी ने भाजपा के साथ हाथ मिला लिया तो इसे जाटों ने विश्वासघात माना, क्योंकि उन्होंने वो 10 सीटें भाजपा के खिलाफ दी थी। यही वजह है किसान हिसार और फतेहाबाद जिलों में भाजपा नेताओं की सार्वजनिक बैठकों के दौरान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जाटों को बांटने की रणनीति हुई फेल। बीजेपी इस बात को जानती है जाट 19 बार वोट नहीं करने वाले, इसलिए जेजेपी जो जाट समाज का प्रतिनिधित्व करता है उसे गठबंधन से अलग कर दिया ताकि वह जाट वोट बैंक में सेंधमारी कर सके, कांग्रेस को इसका फायदा न होने पाए। लेकिन जाटों ने बीजेपी की रणनीति का भट्टा बिठा दिया है।